प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं कि निज़ाम दौरान खून के अंदर खून एक अहम किरदार अदा करता है। दरअसल खून ही वो माय है जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ तजियाती मादों की फराहमी करता है और जिस्म में तैयार शुदा फासिद मादों को जिस्म के बाहर खारिज करने के लिए भी निज़ाम इस्तेमाल का जो है खून ही लाता है। तो खून हमारे लिए नहायत ही अहम अफ़ाल अंजाम देता है। आज हम खून के अफ़ाल के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि निज़ाम तनफ्फुस के ज़रिए हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है वो जिस्म के अंदर बाहर खारिज करने और जज्ब करने का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो खून के ज़रिए जो है मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाई जाती है, जहाँ पर उसकी वजह से ग़िज़ा तैयार मुकम्मल होता है। और उस ग़िज़ा की तैयारी के दौरान जो फाज़िल मादे तैयार होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिक एसिड है, ये मादे जो है वो खून के ज़रिए ही जो है वो जिस्म के बाहर खारिज करने के लिए इस्तेखाज़ी निज़ाम तक पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा तकसियाती मादे जो निज़ाम के ज़रिए हमें हासिल होते हैं, उनको जिस्म के मुख्तलिफ खलियात तक पहुँचाना और वहाँ पर उसके नतीजे में बनने वाले फाजिल मादों को वापस जो है वो गुर्दों तक लाने का जो है वो खून के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा जो खामरे हमारे जिस्म में खारिज होते हैं, जिनकी वजह से हमारे मुख्तलिफ अफ़ाल को बाकायदगी नसीब होती है, उन खामरों को उनके निकलने के मुकाम से या अफराज के मकाम से जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम भी जो है वो खून के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा सबसे अहम खेल खून का जो है वो खून की नालियों के सुकड़ने और फैलने की वजह से हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर मुस्तकिल रहता है, जो हमारे जिस्म की हरारत होती है, जो दर्जा हरारत होता है। इसके अलावा खून के अंदर मौजूद प्लेटलेट जो है वो जब कोई ज़ख्म इंसान को लग जाता है या किसी जानदार को ज़ख्म लग जाता है तो खून के बहने के अमल को रोकने के लिए जो है वो प्लेटलेट्स जो है खून को खून के इंजमात में मदद करते हैं। तो इस तरह से खून के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं वो हमें कई तरीके से जो है वो फैस पहुँचाते हैं और खून के अफ़ाल की वजह से हम जो है हमारे अपने हयाती अफ़ाल को बेहतर तौर पर अंजाम दे पाते हैं।